हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका आसाने ऑफिशियल के एक नए ब्लॉग पे। दोस्तों, तो कल मैंने ही अपना जो ब्लॉग बनाया था उसमें सारा डिटेल्स बताया था आपको कि आगे का मेरा प्लान क्या है अपने आने वाले सभी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज मेरा ट्रेन है गोरखपुर से कोलकाता जाने के लिए, और आगे का मेरा सब ब्लॉग मैं जो बनाऊँगा अपना दुर्गा पूजा का पंडाल, दुर्गा मूर्ति और वहाँ का जो भी लाइफ स्टाइल है सबके बारे में आप लोग को बताऊँगा। तो दोस्तों, एक कन्फ्यूजन ये हो गया है कि जैसे मैंने कल बताया था मेरा जो ट्रेन है वो गोरखपुर से है। एक्चुअली गोरखपुर से ट्रेन आज सवेरे मॉर्निंग में 8 बजे था, जो कि मैं वहाँ पर जा नहीं पाया था, तो इसलिए वो ट्रेन गोरखपुर से होकर मऊ तरफ आता है। मऊ से होकर मतलब वही ट्रेन गोरखपुर से सवेरे 8 बजे से छूटता है और 11:30 बजे मऊ आता है, तो मऊ से ही मैं वो ट्रेन पकड़ूंगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ट्रेन गोरखपुर से नहीं, मऊ से है। तो मैं मऊ अभी देखिए स्टेशन पर आ गया हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए फिलहाल मैं अभी मऊ स्टेशन पे आ गया हूँ। देखिए ये स्टेशन है, अभी ट्रेन जैसे आने में समय है थोड़ा, 11:30 बजे का ट्रेन है यहाँ पर। तो उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे और आगे का आपको बताएंगे। इधर आ जाए, तो दोस्तों ट्रेन देखिए प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, ठीक है। और हम अब अपन चलते हैं, इसमें बैठेंगे और फिर आगे का सफ़र तय करेंगे कलकत्ता तक के लिए। और फिर आपको आगे तक का भी जो ब्लॉग है और आगे का जो रास्ते में जो भी अच्छी अच्छी जगहें पड़ेंगी आपको मैं दिखाता चलूँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ट्रेन खुलने का टाइम तो यहाँ पर 11:30 मतलब 11:40 में ही था, लेकिन जानते हैं इस समय लगता है कि ट्रेन थोड़ा देर करेगा। मान के चलिए 12 बज रहा है और अभी भी ट्रेन खुला नहीं है यहाँ से, अभी लगता है कुछ समय लगाएगा। फिर भी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं पूरा स्टेशन, यहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है मऊ। और अभी थोड़ी देर में ट्रेन खुल जाएगी, शायद ज़्यादा देर नहीं करेगा यहाँ पर। तो दोस्तों, फाइनली हमारा ट्रेन छूट गया है और हम लोग अब चल रहे हैं अपने शहर की तरफ कोलकाता, ठीक है। ये देखिए नज़ारा यहाँ का। तो दोस्तों, शाम के 4 बज गए हैं और देखिए मैं इसमें हाजीपुर स्टेशन पे आ गया हूँ। और ये देखिए हाजीपुर का केला काफ़ी मशहूर होता है हाजीपुर का केला। तो सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग में यहीं पर समाप्त करूँगा, क्योंकि शाम हो गया है, रात को मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।